बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर इम्तियाज़ अली, हेड ऑफ कंप्यूटर डिपार्टमेंट, सुपीरियर कॉलेज पतोकी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फार्मूला क्या होता है, फार्मूला को एंटर कैसे किया जाता है, यूज़ कैसे करते हैं। इसके बाद फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के पार्ट्स को हमने डिस्कस करना है। इसके बाद हमने कुछ फंक्शंस जो हैं उनको डिस्कस करना है, मीन के टाइप्स ऑफ फंक्शन को। तो आइए चलते हैं सबसे पहले हम फार्मूला की तरफ। ये पिछले लेक्चर में भी हम फार्मूला के बारे में, डेटा टाइप्स वाला जो लेक्चर था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में भी हम एक फार्मूला को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आ फार्मूला परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन डेटा एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन अ सेल। जो फार्मूला होता है ये एक एक्सप्रेशन होती है जो मुख्तलिफ तरह के सेल्स के ऊपर मुख्तलिफ तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका रिजल्ट जो है एक सेल के अंदर डिस्प्ले किया जाता है। अब फार्मूला बिगिंस विद इक्वल साइन। फार्मूला जो है वो इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस। इसको मुख्तलिफ तरह की कैलकुलेशंस परफॉर्म करवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मुख्तलिफ तरह की कैलकुलेशंस क्या हो सकती हैं, हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ वैल्यूज़ का, हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, हम किसी भी वैल्यूज़ का ग्रेड जो है वो फाइंड कर सकते हैं, स्टूडेंट्स का जैसे मार्कशीट में ग्रेड फाइंड किया जा सकता है, या इसके अलावा और भी सम टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस हैं जो हम परफॉर्म करवा सकते हैं यूजिंग फार्मूला। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं तो हम फार्मूला इस्तेमाल करते सकते हैं। अ फार्मूला इज एंटर इन अ सेल। एक फार्मूला को एक सेल के अंदर एंटर किया जाता है। कौन से सेल में एंटर किया जाता है, जिसके अंदर हमने रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना होता है। इट अपीयर्स इन फार्मूला बार। और फार्मूला कहाँ पर नज़र आता है, फार्मूला बार के अंदर। वेन दैट सेल इज एक्टिव, जब हम उस सेल को एक्टिवेट करते हैं। व्हेन दैट सेल इज एक्टिवेटेड, के जब हम उस सेल को एक्टिवेट करते हैं तो उसके ऊपर जो फार्मूला अप्लाई होता है वो फार्मूला बार के अंदर डिस्प्ले हो जाता है, नज़र आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम फार्मूला एंट्रिंग, मीन के वर्किंग ऑफ फार्मूला, के फार्मूला कैसे काम करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लिक एनी सेल टू एंटर द फार्मूला। किसी भी सेल को आप क्लिक करें जिसके अंदर आपने फार्मूला को एंटर करना है। इसके बाद टाइप द इक्वल साइन, इक्वल साइन को टाइप करेंगे। इसके बाद टाइप फार्मूला एंड प्रेस एंटर की। इक्वल साइन के बाद हम फार्मूला टाइप करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। द रिजल्ट विल अपीयर इन द सेल एंड द फार्मूला विल अपीयर इन फार्मूला बार। तो जो रिजल्ट होगा वो सेल के अंदर नज़र आ जाएगा, और उस सेल के ऊपर जो फार्मूला हमने अप्लाई किया है वो फार्मूला बार के अंदर नज़र आएगा। इसकी एग्जाम्पल देखें। The following example will add the values in two cells using a formula. एक फार्मूला को यूज़ करते हुए हमारे पास दो सेल हैं, A1 और A2 हैं। तो इन दोनों सेल्स को हमने, इनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको सम करना है, उनको टोटल कैलकुलेट करना है, और सेल जो A3 है उसमें रिजल्ट स्टोर करवाना है। टाइप वन इन सेल A1 एंड प्रेस एंटर। वन वैल्यू जो है वो आपने लिखना है वन A1 सेल के अंदर। टाइप वन इन सेल टू, सेल टू के अंदर भी हमने टाइप जो है वो वन कर देना एंड प्रेस एंटर की, और एंटर वाली की प्रेस कर देनी। टाइप इक्वल साइन, इक्वल साइन आपने टाइप करना है A1 प्लस A2 इन सेल थ्री। A3 वाला जो सेल है उसके अंदर सबसे पहले आपने इक्वल साइन टाइप करना है, उसके बाद A1 प्लस A2 टाइप करना है एंड प्रेस एंटर की, और एंटर की को प्रेस कर देना। द रिजल्ट विल अपीयर इन A3। तो इसका जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 प्लस 1। A1 की वैल्यू 1 है और A2 की वैल्यू भी 1 है, दोनों को ऐड करके A3 जो सेल है इसमें डिस्प्ले करवा देगा। इसके बाद स्टूडेंट्स चलते हैं हम फंक्शन की तरफ। फंक्शन जो होते हैं ये बने बनाए फार्मूले होते हैं, बिल्ट इन फार्मूलाज होते हैं। अ फंक्शन इज़ अ प्री डिफाइंड आर बिल्ट इन फार्मूला। ये प्री डिफाइंड या बिल्ट इन फार्मूलाज होते हैं। एक्सेल प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। एक्सेल जो है वो मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस प्रोवाइड करता है। दीज फंक्शन कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस। और इन फंक्शंस को मुख्तलिफ तरह की कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
अ फंक्शन प्रोवाइड्स मोर एफिशिएंट एंड क्विक वे ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस देन फार्मूला। फार्मूला की निस्बत जो फंक्शन होता है ये ज़्यादा तेज़ी के साथ जो कैलकुलेशंस परफॉर्म करवाता है वैल्यूज़ के ऊपर। तो इसका मतलब है फार्मूले की निस्बत जो फंक्शन है ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये जल्दी कैलकुलेशंस परफॉर्म करवा के उसका रिजल्ट कैलकुलेट कर देता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम चलते हैं कुछ फंक्शन नेम की तरफ। द फंक्शन नेम इज रिटन आफ्टर इक्वल साइन, ये भी इक्वल साइन के बाद लिखा जाता है, जैसा कि फार्मूला भी इक्वल साइन के बाद लिखते हैं, फंक्शन को भी हम इक्वल साइन के बाद लिखते हैं। एंड इट्स आर्गुमेंट्स आर गिवन इन विद इन पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस जिसको हम छोटी ब्रैकेट बोलते हैं, इसके अंदर आर्गुमेंट्स आ जाते हैं, उसके वेरिएबल्स आ जाते हैं, उसके कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं या वैल्यूज आ जाती हैं। आर्गुमेंट्स आर द वैल्यूज गिवन टू द फंक्शन फॉर कैलकुलेशन। आर्गुमेंट्स वो वैल्यूज होती हैं जो फार्मूला को फंक्शन को दी जाती हैं कैलकुलेशंस के लिए। अ फंक्शन मे रिक्वायर वन आर मोर आर्गुमेंट, एक फंक्शन के अंदर एक या एक से ज़्यादा आर्गुमेंट्स होंगे। टू आर मोर आर्गुमेंट्स आर सेपरेटेड विद कॉमास, और जो दो या दो से ज़्यादा अगर आर्गुमेंट्स आ जाते हैं तो उसको हम कॉमास के जरिए सेपरेट करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल द एग्जाम्पल फॉलोइंग एग्जाम्पल शो अ फंक्शन विद एन आर्गूमेंट, कुछ इसके आर्गूमेंट्स भी हैं और ये फंक्शन है। फंक्शन सम एड्स द वैल्यू इन सेल फ्रॉम B3 to B10, B3 से लेके B10 तक जो वैल्यूज हैं उनको ऐड करने के लिए ये फंक्शन बनाया गया है। सबसे पहले इक्वल साइन है जिससे फंक्शन को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सम है, ये फंक्शन का नेम है। इसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमने आर्गूमेंट्स दिए हुए हैं B3, आगे जो है कॉलन है, उसके बाद B10, मतलब ये है कि B3 जो है ये स्टार्टिंग वैल्यू है, स्टार्टिंग आर्गुमेंट है, और B10 जो है ये एंडिंग आर्गुमेंट है। ये फंक्शन क्या करेगा, B3 से लेके B10 तक जितनी भी वैल्यूज इन सेल्स के अंदर होंगी उनका सम कैलकुलेट कर देगा। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, कुछ हमारे पास सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं। पहले फंक्शन के नेम दिए हुए हैं, फिर उनकी एग्जाम्पल्स हैं, और फिर डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि ये फंक्शन किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे सम का फंक्शन है, जैसा कि अभी हमने देखा था इक्वल, इक्वल के बाद सम ये फंक्शन का नाम है। उसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट्स आ जाते हैं, तो ये आर्गुमेंट्स हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स देखें नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर देखें फाइंड द सम ऑफ सेल A1 थ्रो A100, ये A1 से लेके A100 तक जो सेल्स हैं उनका सम कैलकुलेट करेगा। एवरेज का फंक्शन है, तो एवरेज के फंक्शन के लिए क्या लिखते हैं, इक्वल एवरेज B1 to B10, ये क्या करेगा, B1 से लेके B10 तक जो वैल्यूज हैं उनकी एवरेज फाइंड कर देगा। फाइंड द एवरेज ऑफ सेल B1 थ्रो B10, तो ये B1 से लेके B10 तक जो वैल्यूज हैं उनकी एवरेज फाइंड करेगा। मैक्स, अब मैक्स के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, इक्वल मैक्स C1 to C100, तो ये क्या करेगा, C1 से लेके C100 तक जो वैल्यूज़ हैं उनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू है, उसको फाइंड कर देगा। हाईएस्ट नंबर फ्रॉम दी सेल्स C1 to C100। मीन है मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए, जैसा कि मैक्सिमम है और ये मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए, इक्वल मीन D1 to D100, तो ये D1 से लेके D100 तक जो वैल्यूज हैं उनमें सबसे छोटी वैल्यू के लिए इस्तेमाल होता है। स्केयर रूट, स्केयर रूट फाइंड करता है D10 के अंदर जो वैल्यू है उसके लिए, इक्वल स्केयर रूट, स्केयर रूट क्या होता है, जजर फाइंड करने के लिए D10, तो D10 जो सेल है इसके अंदर जो वैल्यूज होगी उसका स्केयर रूट या उसका लगरथम लेने के लिए, सॉरी जजर लेने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। जजर के लिए स्केयर रूट जो है इसका फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या करेगा, जो D10 वाला सेल है उसमें से जो वैल्यू है उसका स्केयर रूट फाइंड कर देगा। लास्ट फंक्शन है टूडे, टूडे ये आज की डेट, इक्वल इक्वल के बाद टूडे लिखते हैं और पैरेंथेसिस लगा देते हैं, ये करंट डेट जो होती है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया है फार्मूला क्या होता है, फार्मूला की एग्जाम्पल, उसका प्रोसीजर, उसके बाद फंक्शन, फंक्शन नेम, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह।